ये हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन हाईवे नाश्ता है? जवाब दीजिए, जनता जानना चाहती है। यस, और हमारा तो ये फेवरेट है। और ये है कहाँ, वो आप पीछे देख सकते हो, गुलशन ढाबा जो है मूर्थल पे। जब आप दिल्ली से निकलो और आप अमृतसर तरफ की तरफ निकलो, जो पहले उसको बोलते थे ग्रैंड ट्रंक रोड, आप बोलते हैं NH 44। हाँ जी, तो NH 44 आप इंडिया का लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ हाईवे है, जो जाता है जम्मू एंड कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक और बीच में पास करता है कई स्टेट्स को। और वहां पर सबसे बेहतरीन नाश्ता कई लोग बोलते हैं आपको आलू प्याज के मिक्स परौंठे, गोभी के मूली के परौंठे मिलेंगे गुलशन ढाबा पर, और वो उससे अच्छा खाना आपको हाईवे पे नहीं मिलेगा नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। तो क्या ये सच है कि नहीं भाई साहब, आप जवाब दीजिए पहले। हम तो ये मानते हैं अगर आपका कोई डिफरेंट फेवरेट ब्रेकफास्ट है या नाश्ता है किसी भी हाईवे पे, तो आप लिख के हमारे को बताएं। हमारा ये फेवरेट बहुत कारण से है, और नंबर वन उसका कारण ये है कि 15 साल पहले जब हमने अपना करियर शुरू किया था खाने में और कंटेंट में, तो हम यहाँ आए थे और सबसे पहला हमारा नाश्ता था यहाँ पे गुलशन ढाबा पे। वापस जाइए, इंटरनेट पे ढूंढिए, देखिए हम कितने फर्क लगते थे और ये जगह कितनी फर्क लगती थी। हाँ जी, लेकिन अभी बात करने का टाइम खत्म हो चुका है, खाने का टाइम शुरू हो चुका है, तो आइए आपको दिखाते हैं खाना कितना अच्छा है। आलू परांठा, गोभी परांठा, प्याज परांठा, मिक्स परांठा, आलू गोभी मूली परांठा, पनीर का परांठा, और कोई परांठा रह गया भाई? आलू प्याज माय फेवरेट बोल दिया था मैंने यार। और जब आप परांठे की बात करें तो जरा पास आके देखिए कैसे मक्खन पिघल रहा है मेरे परांठे के ऊपर। मक्खन इज बिकमिंग लिक्विड, और ये मक्खन हर तरह फैला के बिल्कुल परफेक्ट परांठा बनता है। और ये जो सारा आप एम्पायर देख रहे हैं, ब्रांड न्यू गुलशन ढाबा चमकता हुआ बाहर से, ये सब बना है इस परांठे के बेसिस के ऊपर। क्यों, फाउंडेशन तो यही है। बिल्कुल, हमारे को हो गए मेरे ख्याल से 30-35 साल यहाँ पे आते हुए, जब हम में से एक जो था थोड़ा छोटा था और बाकी जो था वो बूढ़ा ही था, ऐसे तब से आ रहे। कभी कभी बस पकड़ के आते थे यहाँ पे आके ये परांठे खाने के लिए, और उस टाइम वो जगह थी, ये जो जगह थी गुलशन ढाबा, ऐसे नहीं लगती थी, बड़ी सिंपल सी जगह थी, लेकिन मेहनत का फल मीठा। आइडिया ये कि गरम गरम परांठे और मक्खन अगर आप लोगों को खिलाओगे तो हो सकता है आपका भी इतना बड़ा कभी बिजनेस बन जाए। जी हाँ, और गुलशन ढाबा का जो परौठा है, इनफैक्ट मूर्थल में जितने भी ढाबे हैं और यहाँ पे कई स्पेशल बड़े बड़े ढाबे हैं, जैसे कि पहलवान का ढाबा है, और कौन सा है, सुखविंदर का ढाबा है, और भी कई ढाबे हैं, लेकिन गुलशन हमारा फेवरेट बचपन से ही रहा है और अभी भी है। और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो परौठे बनते हैं वो तंदूर में लगाए जाते हैं। तो अगर आप इस परौठे को देखें, ये बिल्कुल तंदूरी परौठा है, इसमें बिल्कुल तेल नहीं है, अंदर इसके स्टफिंग जो भी हो, जैसे आपको मयूर ने बताया, किसी भी किस्म की हो, और कई किस्म की मिल जाएंगी। आजकल सर्दी का मौसम है तो मूली तो है ही, गोभी भी है साथ में, तो कई स्टफिंग मिल जाएंगी, लेकिन तंदूर पर पकाया जाता है तो काफ़ी हेल्दी परौठा है, ये तो नहीं मना कर सकता कोई। बिल्कुल हाँ, और ट्रेडिशनली आप क्या करोगे कि फ्रेश दही और फ्रेश मक्खन के साथ खाओगे और एक और चीज़ के साथ खाओगे, फेमस पचरंगा पिकल। और अगर आपको ये नहीं मालूम है कि पचरंगा अचार में क्या जाता है, तो वो हम आपको नहीं बताएंगे, आप नीचे कमेंट्स में डालिए, बताइए कि पचरंगा पिचर जो है आपके लिए हिंट है। पांच चीज़ें होती हैं, उसमें पांच कलर होते हैं, उसमें क्या जाता है लिख के हमारे को बताइए। हाँ, क्योंकि अगर सब कुछ हम बताएंगे तो आप क्या बताओ, गुड पॉइंट है। तो बड़ी सिंपल शुरुआत से लेकर बहुत ही शानदार एम्पायर बना हुआ, टेस्ट वही है जो हमेशा था। और ये देखिए परौठा खास इसलिए है, मुझे हरी मिर्च बहुत पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा मिर्च डलवाता हूँ। आलू और प्याज काफ़ी सिंपल मिक्स, बिल्कुल मिनिमम मसाले, और जब ये तंदूर में जाके एक कलेक्टिव इसका एक टेस्ट निकलता है तो बिल्कुल परफेक्ट निकलता है। परौठा काफ़ी भारी है, ये होगा कम से कम 150 ग्राम का, उससे कम नहीं होगा, मतलब 1 किलो में आपको 6 से 7 परौठे ही मिलेंगे। और इसको खाने के लिए साथ में है ये यहाँ की फेमस दाल मखनी, और सुबह सुबह परौठे के साथ दाल क्यों, तो इसका जवाब यही है क्योंकि जब ये दाल पे तड़का लगता है और गरम गरम दाल बाहर निकलती है और परौठे का सफ़ेद मक्खन पिघल के फैलता है परौठे के ऊपर, तो जो कॉम्बिनेशन है वो सोने पे सुहागा हो जाता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही हो जाता है। बस थोड़ा जीने दो, थोड़ा खाने दो। अगर आपका इस मूर्थल स्टेज पे गुलशन को छोड़ के कोई और फेवरेट ढाबा है तो प्लीज़ आप मैसेज डाल दो हमारे को कि आपका वो फेवरेट है, और हम पता क्या कहेंगे, हम नहीं मानते, हमें तो गुलशन ही अच्छा लगता है। हाँ, क्या स्वाद है, क्या स्वाद है।
जिसका जो तड़का लगा हुआ है दाल का टमाटर के साथ, खूब सारा लहसुन डाल के एकदम परफेक्ट तड़का है, और ये दाल काफ़ी रिच है, काफ़ी थिक है। तीन किस्म के अचार साथ में, ताज़ा दही यहाँ का भरा हुआ, सफ़ेद मक्खन, कड़क कड़क हरी मिर्चें इस साइज की, तो यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा बहुत सोच समझ के बड़े प्यार से रखा गया है, और इसीलिए मूर्थल इतना मशहूर हो गया पूरे इंडिया में एज द बेस्ट प्लेस टू ईट फूड, और ढाबे पे आने का मज़ा मूर्थल में आता है। तो ये जर्नी बड़ी शुभ शुरुआत हुई है यहाँ की, है ना भाई साहब? आप बोलते कम हो, खाते ज़्यादा हो, हम लोगों को दिखाने के लिए आए, आपके खाने के लिए नहीं आए। और बताइए। चलो शुक्र है इसका मुंह तो बंद हुआ। तो ये खाना बहुत शानदार, स्टार्टिंग ऑफ ऑन अ ब्यूटीफुल नोट। अब दबा के हम लोग पराठे खाएंगे, और आप भी जब यहाँ पर आएँ तो मूर्थल पे ज़रूर रुकें और गुलशन ढाबा पे आके ये पराठे ज़रूर खाएँ। हालांकि सर्दियों के मौसम में मूली का पराठा मेरा फेवरेट है, आमतौर पर आलू प्याज मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। भाई साहब इसके साथ कोई ठंडा वाटा नहीं मिलेगा पीने को? हैं हैं, मुझे ठंडे में नहीं, गरम गरम चाय मिलेगी साहब, चाय देंगे गरम गरम। हाँ तो थैंक यू।